हेलो गाइस, वेलकम टू नदर वीडियो। तो इसमें मैं आपको एलिन स्किन एक्सपोजर X5 के 2021 के टॉप 80 प्लस प्रीसेट दूंगा। तो आप पूरी वीडियो देखें, इसमें बेस्ट ब्रेड स्टाइल भी मैं बनाना सिखाऊंगा और ईयर देखें मैं कैसे बना रहा हूँ वन क्लिक में इजीली। ईयर की ट्रिक है और फिर इसके बाद स्किन रिटचिंग पे बहुत ट्यूटोरियल बनाए, तो मैंने ये जल्दी जल्दी की थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगाया था मैंने इसको रिटच करने के लिए। तो आप भी देखें किस तरीके से मैंने रिटचिंग की है। तो मैं इसमें बोलूँगा नहीं ज़्यादा रिटचिंग पे, क्योंकि मैंने 3 से 4 उससे भी ज़्यादा मेरे ख्याल से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं। और आपने अभी तक मेरा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उस पर 8,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसकी लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन में, तो आप भी सब्सक्राइब कर लें जाके। और अगर पहले से किया हुआ है तो वहाँ की वीडियो भी वॉच किया करें। तो भाई ये देखें मैं ब्रेड बना रहा हूँ। पहले मैंने हेयर इसलिए बनाई थी ताकि उसको सेव करके हेयर बना लूँ कि वो ख़राब नहीं हो। तो अब मैं ब्रेड बना रहा हूँ, ये देखें इजी वे के अंदर अब आप 1 से 2 क्लिक में कर सकते हैं। और अब यहाँ से मैं लेयर कर लेता हूँ, तो अब इसकी मैं लेयर बना के रिटचिंग कर रहा हूँ, ठीक है। आप सेटिंग, मैंने सेटिंग के ऊपर भी 2 वीडियो बना चुका हूँ, तो आप सेटिंग अगर आपको देखनी है तो उसमें से देख लें या ऊपर से कॉपी कर लें। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर नहीं करूँगा क्योंकि मैंने 2-3 वीडियो बना चुका हूँ इसकी रिटचिंग पर। तो हमारी वो ये कंप्लीट, हम यहाँ गए कैमरा फिल्टर में। तो यहाँ पे मैं थोड़े से कलर इसके बढ़ा दूँ जिस हिसाब से आपको पिक बनानी है। अब ज़रूरी नहीं है कि आप हर में प्रीसेट यूज़ करें, प्रीसेट कभी कभी पिकों में काम भी नहीं आते। आपकी कॉमन सेंस होनी चाहिए, आपकी ट्रिक एडिटिंग स्किल्स एंड ट्रिक्स। ये देखें मैंने शेडोज़ वगैरह सेट कर लिए, 2-1 क्लिक में हो जाता है। पर आप एक एक चीज़ को हिला जुला के बार बार चेक करें कौन सी आपकी पिक पर ज़्यादा अच्छी मैच हो रही है। तो यहाँ पर मैं इससे थोड़ी सी लाइट्स वगैरह भी मैं छेड़ता नहीं हूँ, पर आज मैं छेड़ के देखूँ किस हिसाब से पीक है, क्योंकि तो ये हमारे काम की नहीं है। तो इधर आ जाते हैं, इधर से हम इसको ऑरेंज और रेड कलर याद रखें हमेशा फेस का होता है। तो इस वाले में पहले ऑरेंज को पीछे करना होता है और रेड को थोड़ा सा आगे और इधर दोनों दफ़ा आगे। तो ये देखें मैं कैसे कर रहा हूँ, अभी मैंने थोड़ी सी सेटिंग की इन दोनों में। अभी मैं फुल मैच करके दिखाता हूँ जिस हिसाब से मेरे को स्किन बनानी है। तो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया, ये इससे थोड़ी सही लग रही है, तो वहाँ से मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ये देखें नॉर्मल बैक में रख लेते हैं। तो ऐसे ही आप भी करें, एक एक चीज़ को आप चेक करें और याद रखें ऑरेंज और ग्रीन कलर हमेशा फेस का कलर होता है। बार बार बंदे पूछते हैं कि भाई हमारी फेस सही नहीं बन रहा, आप बता दें। तो भाई ये ट्रिक है, तो मैं यहाँ पे इसको बिफोर आफ्टर पे कर लेता हूँ 2 सेकंड। तो ये आ गया बिफोर आफ्टर पे, तो मैं यहाँ पे अब इसकी कलर ग्रेडिंग करता हूँ। कलर ग्रेडिंग ईजी है, आप बस कलर छेड़ें जो आपकी पिक्चर पर मैच हो रहे हैं। अगर आपको कोई HDR पिक बनानी है तो आप अपना एडिटिंग स्किल्स और ट्रिक्स लगा के बनाएं जो आपके पास एडिटिंग स्किल्स हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और जल्दी से इस चैनल पे भी 2K करवा दें। तो भाई अभी देखें मैंने इसका ब्लू छेड़ा, थोड़ा शाइन आ गया। बिफोर आफ्टर मैंने इसलिए किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि कितना फ़र्क हो रहा है पिक में, तो एक क्लिक से ही। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये येलो करके शाइन ले आता हूँ पिक में ताकि ये हो जाए, ये आउट जूम हो गई। आउट जूम इन जूम करके देखा करें लाजमी, के पिक्सल का पता चलता है कि ये देखें ये पिक्सल मैं चेक कर रहा था आउट इन जूम करके कि पिक्सल तो नहीं फट रहे। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप एडिट कर लेते हैं और फिर आप मोबाइल में चेक करते हैं, वो बिल्कुल अजीब ही पिक होती है, मतलब अजीब नहीं होती, एक तरीके पिक्सल ख़राब हो रहे होते हैं उसके। तो यहाँ से मैंने सब सेट कर लिया, तो मैं हल्का फुल्का जो सेट करना है करूँ। इसको मैं कलर चेक कर रहा हूँ क्योंकि इस पर थोड़ा सा
पिंग पिंग आ रहा है, तो अगर ये मैं रिमूव करके मैं चेक कर रहा हूँ, ये मैं अप्लाई नहीं कर रहा, बस मैं इसे चेक करूँगा, जस्ट मैं पहले जैसा कर दूँगा। फिर इसको आप भी चेक किया करें, अगर मैच हो जाए तो आप रख लें, वरना रिमूव कर दें इसको। तो यहाँ पे हो गया हमारा कैमरा का फिल्टर, में डन ओके कर देते हैं। तो भाई अभी हमें आपको मैं बताता हूँ फिल्टर का, तो ये फिल्टर है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एक्स्ट्रा हेयर करके कॉपी करना है आपको, जाना है फिर ये सारा कॉपी कर लेना है। देखें कितने सारे हैं, 80+ हैं ये। तो अभी जाना है आपको सी फाइल में, आपको जाना है व्यू में, व्यू में जाके आपको हाइड आइटम्स, फिर आपको जाना है हाइड आइटम पे क्लिक करके प्रोग्राम डेटा, फिर जाना है एलिन स्किन, फिर जाना है आपको एक्सपोजर X5, फिर वहाँ पे आपको माय प्रीसेट का फोल्डर मिलेगा, अगर वो नहीं हो तो आप क्रिएट करके और कर रिप्लेस कर दें। रिप्लेस नहीं, मेरे पास रिप्लेस का ऑप्शन आया क्योंकि मैंने पहले से ये इंस्टॉल किए हुए थे। तो भाई अब हम आ चुके हैं एक्सपोजर X5 में, तो ये रहे माय प्रीसेट, ये आपको फ़िल्टर बनाना पड़ेगा लाजमी, क्योंकि अब मुश्किल ही होता है इसमें। ये देखें ये क्रीमी वाला फ़िल्टर, अलग अलग हिसाब से हर पिक के फ़िल्टर होते हैं, अब आप जौन सा यूज़ करना चाहें, आपको जौन सा ज़्यादा आपकी पिक्चर पे मैच करे। तो यार जैसे ऐसी वीडियो फ़िल्टर वाली वीडियोस पर रिस्पॉन्स दिखाते हो, ऐसे हर वीडियो पे दिखाया करो, इस वीडियो पर ज़्यादा व्यू आएंगे, और जो दूसरे दूसरी वीडियो डालूंगा मैं प्रॉपर, क्या नाम है, मैनुअली स्किन रिटचिंग की। बंदे बोलते हैं यार मैनुअल सिखाओ, न्यूटन की तरह आप कुछ बोलते हैं, सिर्फ प्रीसेट लेने आते हैं, तो भाई मैं तो वही करूँगा, मेरे को जिसमें फ़ायदा दिखेगा, तो मेरे व्यूज़ इसी में ज़्यादा आते हैं, तो मैं यही बनाता हूँ मैनुअली। मैंने बनाई हैं 3, उस पर 100-150 व्यू आए हैं बस खाली। तो ये देखें ये वाला मैच हो रहा था, आप मैच करें बारी बारी, ये सारे होते हैं, और साइड में से मैं आपको बताएं कि इस पे पूरा ट्यूटोरियल बनाओ एक्सपोजर को यूज़ करने का, साइड पे लिया रहे बेसिक्स, आप खुद इससे प्रीसेट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं पहले वाले वापसी अप्लाई कर लेता हूँ, तो उस पर मैं वीडियो बनाऊँ नहीं बनाऊँ कमेंट में लाजमी बताएं। तो मेरे को ये सही लग रहा है तो मैं ये कर लेता हूँ, यहाँ से मैं अभी कुछ छेड़ा नहीं हूँ कि मैंने कस्टम बनाया हुआ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये इस चीज़ पर मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। ये लेयर्स वगैरह यहाँ से आप खुद प्रीसेट क्रिएट बना सकते हैं, अगर किसी के पास कैमरा रहा ना हो, और कैमरा रहा अगर उसको यूज़ भी करना नहीं आता और ये आ जाए, तो फिर तो वही उसकी हैवी किस्म की एडिटिंग हो जाएगी। एक्सपोजर X5 2 मिनट में ही एक बहुत बड़ा HDR इफेक्ट दे देता है। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है हमारी पिक, कितनी अच्छी चाहिए। तो चैनल को